नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने इस नंबर वन यूट्यूब चैनल ट्रेंड लाइव पर। तो दोस्तों, जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पांच महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका पहला सवाल कौन सा है। तो आपका पहला सवाल है दोस्तों, भारत के कौन से राज्य में ज्यादा अपराध होता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के कौन से राज्य में ज्यादा अपराध होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी है आपका केरल, और ऑप्शन नंबर सी है आपका बिहार, और ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपका अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, फूलों की रानी किस फूल को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, फूलों की रानी किस फूल को कहा जाता है। आपका ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका कमल, ऑप्शन नंबर बी है आपका गुलाब, ऑप्शन नंबर सी है आपका चमेली, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सदाबहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चमेली। ठीक है, तो आपका अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, कौन से देश के लोग इंसान का खून पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन से देश के लोग इंसान का खून पीते हैं। आपका ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है आपका वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर सी है आपका इथियोपिया, ऑप्शन नंबर डी है आपका चीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया। ठीक है, तो आपका अगला सवाल देखते हैं। आपका चौथा सवाल है, 5 लाख का नोट कौन से देश में चलता है। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख का नोट कौन से देश में चलता है। तो आपका ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका डोमिनिका, ऑप्शन नंबर बी है आपका अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है आपका वियतनाम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मालदीव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिनिका। ठीक है, तो आपका पांचवा सवाल देखते हैं। आपका पांचवा सवाल है, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है आपका आईपीएस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आई होप कि वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।